हेलो एवरीवन, मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचर्स फैक्ट्री चैनल पर। सो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे सीटेट दिसंबर 2024, जो कि सीटेट की एग्जाम है आपकी, जो दिसंबर 2024 में होने वाली है, उसमें नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिलेगा, न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बीएड डीएलएड पेयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो के अंतर्गत। तो लास्ट तक बने रहिएगा। जैसे कि आप जानते हैं अभी आपकी एग्जाम 7 जुलाई को हो चुकी है, अब कब होने वाली है, दिसंबर 2024 में होने वाली है। साल में दो बार ये आपकी एग्जाम होती है। देखिए सीटेट दिसंबर 2024 एलिजिबिलिटी, देखिए जो बीएड, जिन लोगों ने बीएड कर रखी है वो ओनली पेपर टू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर कीजिएगा। जिनकी भी बीएड कंप्लीट है वो सिर्फ पेपर जो सेकंड होता है आपका फिफ्थ टू एट्थ के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं पेपर टू के लिए सिर्फ, ठीक है। अब देखिए जिन लोगों ने डीएलएड कर रखी है वो दोनों पेपर दे सकते हैं, फर्स्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और सेकेंड के लिए भी कर सकते हैं। आगे देखिए फोर ईयर वाले, फोर्थ ईयर मतलब जो बीएससी प्लस बीएड करते हैं साथ में, मतलब चार साल में उनका सब कंप्लीट हो जाता है, टीचिंग कोर्स का डिप्लोमा डिग्री भी मिल जाती है, तो वो भी दोनों पेपर, मतलब बोथ पेपर, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए जो डिप्लोमा होता है जेबीटी वगैरह, ये ओनली पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, चीजें क्लियर कीजिएगा, कौन से कौन सा पेपर दे सकते हैं, सभी के मन में डाउट रहता है तो ध्यान से समझिएगा। अब देखिए अपेयरिंग वाले दे सकते हैं या नहीं, तो देखिए बहुत बड़ा डाउट है ये, क्या है अपेयरिंग, मतलब अगर आपने फॉर्म बीएड के जैसे ही फॉर्म भराने लगते हैं, अगर आपने एडमिशन ले लिया है, सिर्फ एडमिशन ले लिया है, अगर दो चार दिन भी हुए हैं आपको और फॉर्म फिल आप बिल्कुल कर सकते हैं, अगर उस टाइम आपका फॉर्म फिलअप आ जाता है तो आप बिल्कुल फॉर्म फिल इसमें कर सकते हैं, एग्जाम भी दे सकते हैं, बिल्कुल एलिजिबल हैं आप। अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो इससे फर्क नहीं पड़ता आप कौन से ईयर में हैं, बीएड पूरी कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, आपको पूरी डिग्री मिली है या नहीं मिली है, अगर आपने एडमिशन ले लिया है कॉलेज में तो आप इसमें मतलब फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पासिंग मार्क्स क्या रहते हैं, तो जनरल वालों के लिए पासिंग मार्क्स से आपके 90 मतलब 90 नंबर आपको लाने पड़ते हैं, और अगर आप अदर कैटेगरी में आते हैं ओबीसी एससी एसटी तो आपको 82 मार्क्स तो चाहिए, ठीक है, 82 मार्क्स चाहिए, और जनरल में आते हैं तो 90 मार्क्स चाहिए। टोटल पेपर मतलब पूरा पेपर आपका 150 मार्क्स का होता है, 150 नंबर का पेपर होता है, इसमें अगर जनरल में आते हैं तो 90 नंबर चाहिए और अदर कैटेगरी में आते हैं तो 82 नंबर आपको चाहिए, ठीक है। आइए देखिए ये हमारी नई बैच स्टार्ट हुई है, सीटेट की भी बैच चल रही है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी काफ़ी स्टूडेंट्स की हमारी एकेडमी से सिलेक्शन हुए हैं, आप देख सकते हैं। और देखिए नई बैच स्टार्ट हुई है, ये किसके लिए है, फॉरेंसिक बैच, महाराष्ट्र सेट एग्जाम, शिक्षक पात्रता परीक्षा, आंगनवाड़ी पर्यवेक्षिका, पुलिस भर्ती, ग्राम सेवक भर्ती, आरोग्य सेवक भर्ती, आरोग्य सेविका भर्ती। अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये जो वीडियो है ये शेयर करके आप जो भी करना चाहते हैं उन्हें शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी पता चल जाए और वो ये बैच ज्वाइन करके अपना सिलेक्शन ले पाएँ। देखिए अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं कविता10, तो 10% डिस्काउंट के साथ आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट के साथ आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा और टेस्ट सीरीज भी परचेस कर सकते हैं। सो आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि इसकी क्या एलिजिबिलिटी है बीएड के लिए, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं इसमें सीटेट एग्जाम में। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रही होगी, हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि बाकी लोग भी देख पाएँ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम इंस्टाग्राम सभी की लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और मिस ना हो पाए। थैंक यू वेरी मच।